Hi everyone, welcome to the session. So today we are going to discuss about the other law entrance exams which you can give in 2023. अभी recently हमारा CLAT का exam खत्म हुआ है, results आ गए हैं, counselling शुरू होने वाली है और counselling mails भी आ गए हैं. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमें कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, अगर हमें कोई एनएलयू नहीं मिलता है, तो हम और कौन कौन से ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट? सो गाइस, एज द ईयर एंड्स, लेट अस डिसाइड कि आगे क्या करना है. लेट अस मेक अ लिस्ट ऑफ एग्जाम्स जो हम दे सकते हैं आगे, जिससे हम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए. सो गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक इफ वी आर लाइव और फिर करते हैं आज की क्लास शुरू. ओके एवरीवन, सो आई कैन सी माई सेल्फ लाइव ओवर हियर. तो चलो जल्दी से पहले तो कुछ अपडेट्स देख लेते हैं और फिर करते हैं क्लास. सो गाइज, रिजोल्व 2023, एक न्यू ईयर, न्यू रेजोल्यूशन और न्यू गोल हमें बनाना चाहिए और वो गोल आप हमारे साथ बना सकते हो क्योंकि आपको ऑफ मिल सकता है 23% का अनअकैडमी क्लास सब्सक्रिप्शन पे. ठीक है, चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लो या फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो, यू कैन गेट द डिस्काउंट ऑफ 23%. ऑल्सो गाइज, एक डिस्काउंट लेने के लिए ना आपको मेरा कोड यूज करना होगा जो है कृति लाइव 10. ठीक है, अगर आप कृति लाइव 10 यूज करते हो तो आपको 23% तक के डिस्काउंट्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट अपडेट है हमारा टॉपर्स के बारे में, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द स्टूडेंट जो इस बार एनएलयू जा रहे हैं. वी हैव AIR 2, AIR 37 एंड AIR 96 ऑन द स्क्रीन एंड मोर देन 70 अब एडमिशंस इन एनएलयू दिस ईयर. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द लर्नर्स फ्रॉम 2023, तो गाइस दीज आर सम ऑफ द लर्नर्स यू सी ऑन द स्क्रीन. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बार बहुत अच्छी रैंक लेके आए, डेफिनेटली एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 2022 लर्नर्स के बारे में, तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स. नाउ गाइज, मैं भी अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. अगर मेरी क्लास में पहली बार आए हो और अगर मुझे नहीं जानते हो, तो मेरा नाम है कृति सिंह. ठीक है, एंड दैट्स हाउ आई लुक. सो गाइज, आई टीच लॉजिकल रीजनिंग फॉर क्लैट. मैं आपको लॉजिकल यानी क्रिटिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ क्लैट के लिए ऑन एन अकेडमी. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, मैं आपको मैथ्स भी पढ़ा देती हूँ कभी कभी ऑन एन अकेडमी अगेन. सो आई टीच लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स फॉर क्लैट एवरीवन, दैट इज अ क्वांटिटेटिव टेक्निक सेक्शन. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स टू गिव इन 2023. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक अ लिस्ट. सो लेट अस बिगिन डिस्कसिंग योर लिस्ट. द फर्स्ट एग्जाम व्हिच कम्स इन दिस लिस्ट ओवर हियर इज ALIT, everyone. Now, ALIT is All India Law Entrance Test. Now, this exam is for National Law University Delhi. तो अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में जाना चाहते हो, जो अपने आप में ही टॉप 3 टॉप 4 कॉलेजेस में आता है, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो जिसे हम ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं. ये एग्जाम हर साल दिसंबर में होता है. इस बार का जो एग्जाम है वो ऑलरेडी हो चुका है. क्लैट से यूजुअली 1 वीक पहले ये एग्जाम हो जाता है. अप्रोक्सीमेटली 80 सीट्स आर देयर. 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स आपको मिल जाएगा. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली इज ऑल्सो द एनएलयू, वन ऑफ द टॉप 5 एनएलयूज इन द कंट्री. ठीक है, द कॉलेज यू कैन एस्पायर फॉर, द कॉलेज यू कैन टेक एडमिशन इन. प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखें या फिर इनके इंटर्नशिप्स देखें, सब कुछ ही बहुत अच्छा है यहाँ पे. वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर लॉ इन इंडिया जो आपको मिल जाएगा इस एग्जाम के लिए. द एग्जाम इज थोड़ा सा डिफिकल्ट. ठीक है, थोड़ा सा इट इज लिटिल डिफिकल्ट. तो अब डिफिकल्टी लेवल के लिए आपको करनी होगी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस. एलिट का रिसेंटली अभी न्यू पैटर्न आया था जिसपे इस बार सेकेंड टाइम एग्जाम हुआ है. इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यू विल गेट इंग्लिश सेक्शन ओवर हियर. You will get your GK section as usual and you will get your logical reasoning section. तो ये 3 sections आपको इस exam में दिख जाएंगे. इस बार एक new pattern देखने को मिला था जहाँ पे आपके सारे sections merged थे. English के usually जो questions होते हैं वो 50 marks के आते हैं, GK के question 30 marks के आते हैं और logical के question 70 marks के आते हैं. Which makes this paper of 150 marks, 150 questions. Timing जो रहता है इसको solve करने का वो रहता है 90 minutes का. ठीक है, क्वेश्चन पेपर में जब आप इंग्लिश सॉल्व करोगे या जीके या लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करोगे, तो हमेशा ध्यान रखना लॉजिकल में ही थोड़े से क्वेश्चंस लीगल के भी पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, तो आपको यहाँ लॉजिकल में
एक्सपेक्ट करके चलना है कि लीगल के कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे. ऑल्सो एवरीवन, लॉजिकल में एनालिटिकल का पोर्शन एंड क्रिटिकल का पोर्शन दोनों ही आपको साथ में कवर करना चाहिए. जीके में आपको स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स पे ध्यान देना चाहिए. इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस वोकैबुलरी प्लस थोड़ी सी ग्रामर पे फोकस कर लेना चाहिए. यूं तो आरसी के क्वेश्चन डोमिनेंट होते हैं. ठीक है, सो गाइज ये हमने बात कर ली यहाँ पे प्लस स्टैटिक जीके. ठीक है, ये हमने एलिट के न्यू पैटर्न के बारे में बात की. एग्जाम हर साल दिसंबर में होता है. ठीक है, न्यू जो डेट्स आई है उसके अकॉर्डिंग हर साल दिसंबर में होता है. नाउ नेक्स्ट जिस कॉलेज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कॉलेज है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल. सो गाइज अगर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते हो, ठीक है, अगर आप कहीं ना कहीं आपको कोई अच्छा एनएलयू नहीं मिलता है या लोअर एनएलयूज मिलते हैं, तो आप सिम्बायोसिस लॉ स्कूल को भी कंसिडर कर सकते हो. नाउ सिम्बायोसिस लॉ स्कूल दोनों ही 5 years BA LLB प्रोवाइड करता है, द इंटीग्रेटेड कोर्स. इसके अलावा 3 year LLB भी प्रोवाइड करता है जो आपको जाएगा. सिम्बायोसिस इज अ वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी. यहाँ पे बहुत सालों से लॉ स्टूडेंट्स यहाँ पे पास आउट होते आ रहे हैं, जिस वजह से उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स प्लस उनके इंटर्नशिप रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं. नाउ स्लैट के बारे में अगर बात करें तो वो ऑफर करते हैं BA LLB एंड BBA LLB ऑनर्स. टोटल जो सीट्स सिम्बायोसिस एक यूनिवर्सिटी में आपको दिख जाएंगी वो होंगी अप्रोक्सीमेटली 1,080. 4 campuses हैं सिम्बायोसिस के. द फर्स्ट कैंपस इन द मोस्ट फेमस वन बीइंग पुणे, द बेस्ट वन ऑल्सो. सेकेंड नंबर पे नोएडा है, थर्ड नंबर पे हैदराबाद है और फोर्थ नंबर पे नागपुर है. अगर आपको सिम्बायोसिस पुणे या सिम्बायोसिस नोएडा मिल रहा है तो आप यहाँ पे बिल्कुल एडमिशन लेना प्रेफर कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर ये लोकल कॉलेजेस से बेटर रहेगा कि आप सिम्बायोसिस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो. ठीक है, सो 4 colleges में अप्रोक्सीमेटली सीट्स आपको पता चल गए. अब देखते हैं पेपर पैटर्न ऑफ सिम्बायोसिस क्या है. सो पेपर पैटर्न की अगर बात करते हैं, सो ये एक ऑनलाइन टेस्ट होता है. ठीक है, जो 105 minutes का होता है, जिसमें 75 minutes आपको MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं. 30 minutes यहाँ पे आप रिटन एबिलिटी टेस्ट पे देते हो, जहां आपको एक एसे लिखना होता है. अगर हम बात करते हैं सेक्शंस की तो यूजुअली देर आर 5 sections एवरीवन. द फर्स्ट सेक्शन इज लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल नॉलेज. यहाँ लॉजिकल रीजनिंग के ही सेक्शन में आपको मैथ्स का भी, सॉरी एनालिटिकल के सेक्शन में ही आपको थोड़ी सी मैथ्स और थोड़ी सी आपको अरिथमेटिक रीजनिंग या ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे. लॉजिकल में यूजुअली आपको वर्बल लॉजिक या क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं. लीगल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज आपको प्रिपेयर करना होता है. इसके बाद आप देते हो रिटन एबिलिटी टेस्ट. ठीक है, ये रिटन एबिलिटी टेस्ट आपको 30 मिनट्स में लिखना होता है. और यहाँ पे जो आपका एक एसे आपको दिया जाता है जो यूजुअली करंट टॉपिक्स से रिलेटेड होता है. स्लैट का एग्जाम यूजुअली इजी होता है. इस एग्जाम को क्रैक करना भी डिफिकल्ट नहीं होता. बट आफ्टर दिस रिटन एग्जाम एवरीवन यू हैव टू गो फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू. आपको एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाना रहता है. ठीक है, और ये पर्सनल इंटरव्यू चेक करता है आपके कॉन्फिडेंस को. सो इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू आर गुड टू गो. नेक्स्ट जो कॉलेज आता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, कॉलेज नहीं एक एडमिशन टेस्ट है, वो है LSAT का. ठीक है, इंटरनेशनल पैटर्न पे बेस्ड है LSAT इंडिया, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट इंडिया. ठीक है, ये एक साल में 2 बार होता है. ऑनलाइन एग्जाम होता है, लगभग 2 hours का एग्जाम है और लगभग 80 कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं. अगर मैं आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दिखाती हूँ, अभी दिखाऊंगी, उससे पहले सुन लो, 5 year और 3 year दोनों ही LLB आपको ऑफर करता है. अगर पेपर पैटर्न की बात करी जाए तो यू विल गेट एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग 1, लॉजिकल रीजनिंग 2, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. यहाँ पे आपको फोकस करना होगा क्रिटिकल रीजनिंग के पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस पे, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट जैसे टॉपिक्स पे. ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे. टाइम हर सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे होता है, तो आपको टाइमिंग का खास ध्यान रखना है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, LSAT से जुड़े होते हैं 85 कॉलेजेस या 80 कॉलेजेस. सम ऑफ द कॉलेजेस आर हियर जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जिसमें से OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉलेज जो LSAT के स्कोर्स पे एडमिशन देता है. ठीक है, सम मोर कॉलेजेस आर अगेन रिटन ऑन द स्क्रीन गाइस, यू कैन गो थ्रू द कॉलेजेस. नेक्स्ट जिस कॉलेज के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो कॉलेज है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर लॉ.
इस बार हम MSCET लॉ के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर लॉ इज क्वाइट फेमस एग्जाम जो बच्चे देते हैं, और वो दो कॉलेजेस की वजह से है। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू गाइस कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए डोमिसाइल होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सीट्स रिजर्व्ड होते हैं, 85% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड। 5% सीट्स आर यूजुअली फॉर द NRI और नॉन, ठीक है, या फिर फॉरेन जो भी लोग हैं उनके लिए रहता है, ठीक है। देन 10% सीट्स पे अदर स्टेट्स या अदर स्टेट स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं 10 सीट्स पर, ठीक है, 10% सीट्स पे। तो नंबर ऑफ सीट्स डेफिनेटली आपके लिए थोड़ी कम हो जाती है यहाँ पे। अगर आप महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन आप अदर स्टेट स्टूडेंट हो देन यहाँ पे ऑब्वियसली आपके चांसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये टेस्ट नहीं दोगे, बिकॉज एग्जाम बहुत ईजी होता है। इस एग्जाम में स्कोर करना बहुत इजी होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो ये सारे पॉइंटर्स हमारे लिए प्लस पॉइंट की तरह होते हैं। सो इफ यू आर प्रैक्टिसिंग वेल इनफ टू क्रैक महाराष्ट्र CET और MSCET इज वेरी इजी। नाउ एवरीवन, एग्जाम फ्रीक्वेंसी वंस अ ईयर रहती है। ये एग्जाम मोड ऑफलाइन नहीं होता, ये एग्जाम मोड अब ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। एग्जाम 2 आवर्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इसके पेपर पैटर्न के बारे में, सो यू विल हैव लीगल एप्टीट्यूड इन लीगल रीजनिंग, यू विल हैव जनरल नॉलेज इन करंट अफेयर्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। मैथ्स 10 मार्क्स का पूछा जाता है, इंग्लिश 30 मार्क्स का पूछा जाता है। लॉजिकल रीजनिंग आपको 40 मार्क्स की मिलेगी, लीगल आपको 40 मार्क्स की मिलेगी, वाइल करंट अफेयर्स आपको यहाँ 30 मार्क्स के मिलेंगे। टोटल एग्जाम 150 मार्क्स का होता है, 150 ही यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे एग्जाम्स में जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वहां पे हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 100% अपना अटेम्प्ट रखें, हम ज्यादा से ज्यादा सारे क्वेश्चंस करके आए, क्योंकि जो हमने गेस वर्क किया होगा उसमें से भी कुछ आंसर्स हमारे सही हो सकते हैं। नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट MSCET एवरीवन, यहाँ ना बात आती है कुछ कॉलेजेस की, जैसे GLC मुंबई है या फिर ILS पुणे है। नाउ दीज कॉलेजेस आर क्वाइट फेमस। अगर आपको आपको फी को लेके कुछ इशू है, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं हो, या फिर आपको लगता है कि आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए जिसमें फी भी थोड़ी कम हो, देन GLC मुंबई इज फॉर यू। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ कॉलेजेस इन एशिया गाइस, बहुत पुराना कॉलेज है, लोकेशन है मुंबई, तो लोकेशन एडवांटेज इस कॉलेज को मिल जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीवन, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीवन, देयर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स आर गुड, आप यहां से इंटर्नशिप्स कर सकते हो, सिटी बेस्ड लोकेशन का फायदा है यहाँ। GLC मुंबई ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज है एशिया का, 1855 में सेट हुआ था। इट इज अफिलियटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड इट्स रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो बहुत सारे नोन जो पर्सन्स हैं इंडिया में, जो पर्सनालिटीज हैं, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज इस कॉलेज में से हैं, जैसे प्रतिभा पाटिल इज देयर, बहुत सारे चीफ जस्टिस, 5 to 6 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ फ्रॉम द कॉलेज, बहुत सारे जजेस हैं जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में, देयर एल्यूमिनाई ऑफ दिस कॉलेज। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, एक नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है ILS पुणे। ILS पुणे अगेन एक बहुत पुराना और बहुत ही वेल नोन कॉलेज है, ठीक है। अगर यहाँ भी आपका एडमिशन होता है तो यू आर गुड टू गो। दिस कॉलेज इज अगेन वेरी ओल्ड, एस्टेब्लिश्ड इन 1924। इट offers the courses of both 3-year and 5-year degrees, यानी आपको 5-year BA LLB integrated भी मिल जाएगा, 3-year भी मिल जाएगा, and same with GLC also guys, GLC में भी आपको 3-year and 5-year दोनों ही मिल जाते हैं, ठीक है। Now it is a government aided law school in Pune everyone. Their placement records, their internship records, सब बहुत अच्छा है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं कुछ prominent personalities की, तो आप screen पे देख सकते हो, ठीक है, सुशील कुमार शिंदे, he was the home minister, then यशवंत राव चव्हाण, he was a deputy prime minister of India, also the first chief minister of Maharashtra, such prominent personalities have passed out from such college, okay? इसके अलावा नेक्स्ट कॉलेज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, या जो एंट्रेंस एग्जाम आपको देना चाहिए, वो है BLAT। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड विद BLAT एवरीवन, मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगी कि BLAT पिछले साल नहीं हुआ था, क्योंकि BHU जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसने एडमिशन लिए थे CUET के थ्रू।
इस बार भी ये हो सकता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने लॉ के एंट्रेंस CUET के थ्रू ले, ना कि अपने खुद के एग्जाम के थ्रू। सो BLAT होता आया है 2021 तक, बट 2022 में एडमिशन CUET के थ्रू हुए थे, एंड देयर इज ऑल्सो अ चांस कि 2023 में भी एडमिशन CUET के थ्रू होंगे। सो अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस विच यू कैन ज्वाइन। ओके, अगर मैं BLAT के पर्टिकुलरली सिलेबस के बारे में बात करती हूँ, तो आपको जनरल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स का सेक्शन आ जाता है, ठीक है, एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएगा। 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है यहाँ पे। 3 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं, 1 मार्क एक रॉन्ग आंसर के लिए मिलता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। अगर BLAT नहीं होता है तो CUET के थ्रू आपका एडमिशन होगा। और अब बात कर लेते हैं हम CUET के बारे में, ठीक है। CUET के बारे में पहले लेट अस टॉक, देन वी विल कम बैक टू NIMS एवरीवन। सो CUET की अगर बात करें, CUET is Central University Examination Test, ठीक है। Central University का जो exam है, Central University Admission Test जो है, वो CUET के through होता है। CUET हर साल जुलाई के आसपास होता है, जुलाई अगस्त में। अभी ये न्यू एग्जाम शुरू हुआ है, लास्ट ईयर ही इसका पहला एग्जाम हुआ था। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, लखनऊ यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज, नाउ दे आर टेकिंग देयर एडमिशन थ्रू CUET। CUET के एग्जाम के लिए जब भी फॉर्म्स आएंगे, आप फॉर्म्स भरोगे। फॉर्म्स भरते टाइम आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपको जनरल टेस्ट देना होता है। आप अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हो, सिंपल ग्रेजुएशन, तब भी आप CUET के फॉर्म भर के उसके थ्रू भी कर सकते हो। जनरल टेस्ट में यूजुअली जो आपके सेक्शंस रहते हैं, वो आपका लॉजिकल रीजनिंग का रहता है, ठीक है, वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहता है, देन वी विल हैव GK ओवर हियर एंड वी विल हैव इंग्लिश ओवर हियर, ठीक है। ये चार सेक्शंस में आपको लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 हो सकता है, इसके साथ आपको एक सेकेंड लैंग्वेज का टेस्ट भी देना पड़ जाए, ठीक है। यस, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट BALLB टुडे, सो ये आपको जनरल टेस्ट देने, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक डोमेन सब्जेक्ट का भी टेस्ट देना होता है। ये डोमेन सब्जेक्ट फॉर लॉ स्टूडेंट्स, जिनको BHU से BALLB करना है, उनको यहाँ पे लीगल स्टडीज डालना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये फॉर्म फिल करने के बाद आप अपनी प्रायोरिटीज भरोगे। अगर आपकी प्रायोरिटी BHU है, तो आप सबसे पहले BHU लिख दोगे, और BHU ने जो भी बेस मार्क, जो भी कट ऑफ रखा होगा, उससे ऊपर आपको नंबर लेके आने होंगे टू टेक एडमिशन इन BHU। CUET आप सिर्फ लॉ के लिए ही नहीं, और भी किसी भी ग्रेजुएशन के लिए ज्वाइन कर सकते हो, लाइक इसका फॉर्म फिल करके प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। Now let us talk about NIMS everyone. Kirit P. Mehta School of Law. This is also one of the good universities, well-established universities for law. अगर आप private universities में जा रहे हो, तो NIMS को आप एक अपनी consideration रख सकते हो. Now NIMS के BALLB के 5 year के course के लिए, they have their campuses in Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Navi Mumbai and Indore. Indore अभी recently new campus शुरू हुआ है, इनका भी पहला batch नहीं निकला है. तो जब भी आप admission लेते हो, आपको हमेशा देखना चाहिए कि कितने बैचेस यहां से निकल चुके हैं, बैचेस के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं, उनके इंटर्नशिप रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं, ठीक है, फैकल्टी बेस कैसा है, आपको ये सारे पॉइंटर्स, लोकेशन ऑफ द कॉलेज क्या है, आपको इन पॉइंटर्स में पॉइंटर्स का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आप CUET के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, तो आप BHU कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज वन कॉलेज इन विच यू कैन टेक एडमिशंस, ठीक है। देन BALLB 5 year भी NIMS के थ्रू आपको मिल जाता है, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, नवी मुंबई, धुले और चंडीगढ़ में, ठीक है। तो ये हो गया एक और एग्जाम, और अब बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में। तो ये जो लिस्ट आपको दिख रही है, इसमें जामिया का नाम मेंशन नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया इज गाइज वन ऑफ द कॉलेजेस इन दिल्ली। दिस इज ऑल्सो अ कॉलेज गुड फॉर LLB, BALLB इंटीग्रेटेड कोर्स, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। दे हैव देयर सेपरेट एग्जाम, आपको इनका अलग से एग्जाम देना होता है। इसके अलावा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी CUCET के नाम से उनका एग्जाम होता है, आप वो देख सकते हो। नर्सी देख सकते हो, निर्मा देख सकते हो, आर्मी इंस्टीट्यूट, अगर आप आर्मी वार्ड हो, देन यू कैन ऑल्सो कंसीडर आर्मी इंस्टीट्यूट। आर्मी इंस्टीट्यूट दो जगह पे है लॉ के लिए, वन इज इन मोहाली
एंड अदर इज इन पुणे. दे आर स्ट्रिक्टली द पुणे कैंपस इज स्ट्रिक्टली फॉर द आर्मी वार्ड्स. लेकिन अगर मैं आर्मी इंस्टीट्यूट मोहाली की बात करती हूँ, सो गाइज मोहाली में आपकी जनरल सीट्स भी होती हैं जो आपको मेरिट के बेसिस पे मिलती हैं. सो अगर आपने बहुत अच्छा अपना परसेंटेज बनाया है तो मेरिट के बेसिस पे आपको ये जनरल सीट्स मिल सकते हैं. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ से एमिटी की या यूपीएस की, सो गाइज ये आपके एकदम बैकअप के भी लास्ट के ऑप्शंस होने चाहिए कि आपको इस साल एडमिशन लेना है और आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तब आप इन कॉलेजेस को देख सकते हो. यूपीएस लॉ का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं दे आर मेंशनड ऑन देयर वेबसाइट. वो 5 LPA के अकॉर्डिंग आपको लगभग प्लेसमेंट्स वहां पे मिल जाते हैं. एमिटी में भी लगभग यही है. ठीक है, सो गाइज ये तो हमने टोटल लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करी जो आप दे सकते हो इन 2023. अब अगर बात करती हूँ मैं, बिफोर आई टॉक अबाउट द अपडेट्स और बिफोर आई टॉक अबाउट द प्रिपरेशन कैसे करनी है, कॉमन सिलेबस क्या है, जो हम आज इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, लेट मी टेल यू गाइज वन थिंग फॉर श्योर गाइज, कि आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की जो प्रिपरेशन है इसका बहुत सारा जो सिलेबस होता है ना वो कॉमन होता है. तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर MSCET और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर SLAT तो मुझे अलग तरह से प्रिपेयर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. देर आर मेनी टॉपिक्स विच आर कॉमन फॉर बोथ दी एग्जाम्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड ऑफ ऑल ये ध्यान रखना है कि फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड सबके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं. जैसे SLAT का जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी आ चुका है, आप गो थ्रू कर सकते हो. ठीक है, इसके अलावा MSCET का, CUET का, सॉरी, और भी बहुत सारे फॉर्म्स अब धीरे धीरे आते जाएंगे, LSAT का. और ये जो एग्जाम्स शुरू होंगे ना ये आपके अप्रैल से शुरू हो जाते हैं, सॉरी अप्रैल के बाद मई में ये एग्जाम, मई से यूजुअली आपके एग्जाम शुरू हो जाते हैं और आपको ये एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है. अभी फिलहाल यू हैव थ्री मंथ्स. ये 3 months कंप्लीटली ऐसे हैं जिसमें लाइकली कोई बहुत ज्यादा एग्जाम नहीं होगा. सो फॉर दीज 3 months एवरीवन आपको क्या करना है, आपको अच्छे से अपना सिलेबस पूरा करना है, आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं और साथ में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. देन अगेन फॉर सम एग्जाम, जैसे अगर आप MSCET दे रहे हो तो इसके लिए आपके पास हो सकता है 2 to 3 months आपको और मिल जाए, या SLAT दे रहे हो तो आपको 1 to 2 months और मिल जाए. तो दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम विच यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम. सो अब हम यहां से आगे डिस्कस करेंगे कि इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, लेकिन उससे भी पहले कुछ अपडेट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं. Guys, from 29th of December, we started a new batch, which is Droppers Batch for Class 2024. It is Success in LU Batch, everyone. Now, this particular batch is something jahan pe 70%, because aap dropper hote ho, already bahut kuch padh chuke hote ho. Toh 70% sessions humare practice sessions rahenge, wahi 30% mein hum theory puri karenge. Theek hai, 12 months ke jo humare batches, jo humare batch hai, 12 month batch course hai, ye Class 2024 ke liye hai, 12 months yani pure ek saal chalega. Aapko monthly sessions mil jayenge, jahan pe स्ट्रेटेजी डिस्कशंस होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट 4 hours सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैराथॉन्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, प्लस मॉक एनालिसिस भी. सो यू कैन ऑल्सो सी दी एजुकेटर्स हु आर टीचिंग यू इन दिस बैच एवरीवन. आप अपने सारे एजुकेटर्स को यहाँ पे देख सकते हो. और इस बैच में एनरोल करने के लिए यू कैन यूज माई कोड KritiLife10. ठीक है, तो आप KritiLife10 मेरा जो एक कोड है वो भी यूज कर सकते हो. ओके, सो अब हम चलते हैं आगे एवरीवन. अवर नेक्स्ट बैच जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है लॉ स्ट्रीम. सो गाइज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जिसके बारे में आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं, अगर आप क्लैट के साथ साथ अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट जैसे ALIT, SLAT, LSAT की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन दिस इज द बैच फॉर यू विच यू कैन ज्वाइन. 22nd ऑफ दिसंबर से ये बैच शुरू हो गया था और ये एक बाइलिंगुअल बैच भी है. ठीक है, you can also see the educators who will be teaching you in this particular batch, everyone. Then guys, we have an Academy Law Admission Test, which is ULAT. So, ULAT ke baare mein agar baat karein, to sabse pehle to aap ULAT ke liye enroll karne ke liye is स्कैनर को गो थ्रू कर सकते हो, स्कैन करके एनरोल कर सकते हो. नाउ गाइज यहाँ पे अगर ये एडमिशन टेस्ट है, ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी आप कह सकते हो, दिस इज अ 1 hour टेस्ट. ठीक है, January 8, 11 AM से ये टेस्ट शुरू होगा, 1 घंटे का टेस्ट रहेगा. आप एनरोल कर लेना, अगर आप पहली बार अन अकेडमी पे आ रहे हो तो आप मेरा कोड
यूज कर लेना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे जो टॉप 500 रैंकर्स हैं उन्हें बहुत सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। अब अगर हम आगे चलते हैं ड्रॉपर सीरीज पे एवरीवन, सो टुडे एट 9 PM क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की ड्रॉपर सीरीज की एक क्लास है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। सो अन अकेडमी पर स्पेशल क्लासेस चलते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री होते हैं, जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको ये सारे क्लासेस ना रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे, तो आप मेरा लॉजिकल रीजनिंग का, कुशाग्र सर का लीगल का, राबिया मैम का या समीर सर के जो सेशंस है वो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, और साथ में पूजा मैम का सेशन आज आप लाइव देख सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज टू एनरोल, एंड यहाँ पे मेरी प्रोफाइल का लिंक है जिसके थ्रू जाके आप एनरोल कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द क्लैट आइकॉनिक एंड द प्लस सब्सक्रिप्शन। सो गाइज, क्लैट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मेंटोरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, प्रायोरिटी व्हेन यू रेज अ हैंड एंड साथ में फिजिकल नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये जो फिजिकल नोट्स हैं इनमें आपकी 14 बुक्स रहते हैं जिसके थ्रू आप बहुत सारी प्रिपरेशन भी कर सकते हो, और प्लस के बेनिफिट्स तो आपको मिलते ही हैं। ये हो गए हमारे सारे अपडेट्स। अब बात करते हैं कि हमें अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी कैसे है। How to prepare for other law entrance test? सबसे पहले तो एवरीवन, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, कि यहाँ पे बहुत सारा जो सिलेबस तुमको मिलेगा ना अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट का, ये तुमको एक कॉमन सिलेबस मिल जाएगा। यानी कि तुमको करना ये है कि यू हैव टू मेक अ कॉपी, यू हैव टू राइट डाउन योर सिलेबस फॉर द एग्जाम्स यू आर गिविंग। आपको सबसे पहले तो लिस्ट बनानी है, ठीक है। उस लिस्ट में आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर लिस्ट में आप नोट डाउन करोगे कौन कौन से एग्जाम्स आपको देने हैं। लेट्स से कि आपने डिसाइड किया कि यार मैं स्लैट का एग्जाम दूंगी एंड आई विल बी गिविंग दिस MSCET एग्जाम, ठीक है। इसके बाद मैं CUET का एग्जाम भी दे दूंगी, ठीक है। दिस इज व्हाट यू डिसाइडेड कि नाउ इन द अपकमिंग ईयर दीज आर द थ्री एग्जाम्स व्हिच आई एम प्लानिंग टू गिव। सबसे पहले आप इनके कॉमन सेक्शंस देखोगे। द फर्स्ट थिंग दैट यू विल बी डूइंग इज कि आप इनके क्या देखोगे, कॉमन सेक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। सो कॉमन सेक्शंस में तुमको पता चलता है ओके, लॉजिकल रीजनिंग इज माय कॉमन सेक्शन, देन मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज माय कॉमन सेक्शन, देन आई हैव इंग्लिश व्हिच इज अगेन कॉमन, देन आई हैव GK सेक्शन, एंड देन इवेंचुअली आई हैव माय लीगल सेक्शन। इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स गाइस, दीज आर द सेक्शंस व्हिच विल बी कॉमन, ठीक है। तुमको इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे कि यार यही तो मेरे कुछ सेक्शंस हैं जो हर बार यही घूम फिर के आ रहे हैं, चाहे CUET हो बिकॉज यू हैव चोजन द डोमेन एज लीगल, चाहे CUET में भी GK आता है, CUET में इंग्लिश आता है, CUET में मैथ्स और लॉजिकल भी आता है, ठीक है। सिमिलरली स्लैट में ये सारे सेक्शंस आते हैं और MSCET में भी ये सारे सेक्शंस आते हैं। तो अभी मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे ये सारे कॉमन सेक्शंस हैं, लेकिन अब मुझे ये भी पता करना है कि क्या इसमें मेरा सिलेबस भी कॉमन है, बिकॉज वेन आई सी क्लैट, क्लैट में तो सब कुछ पैसेज बेस्ड है, ऐसा तो नहीं कि मेरे इन सेक्शंस में भी सब कुछ पैसेज बेस्ड हो, ये भी तो मैं पता करना होगा। तो नाउ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द एग्जाम गाइस। तो सेकंड स्टेप तुम्हारा होगा आइडेंटिफाई द पैटर्न, और इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए इट वुड बी बेस्ट कि अगर तुम इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है। जब तुम PYQ देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इनका पैटर्न भी कॉमन है, इनमें पैटर्न में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट जो तुम GK पढ़ रहे हो वो तुम्हें हर एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। जो तुम लॉजिकल, मैथ्स या इंग्लिश या लीगल पढ़ रहे हो वो भी तुम्हें हर एग्जाम में हेल्प करने वाला है। सो नाउ यू विल मेक अ कॉपी ऑफ योर सिलेबस। अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करती हूँ, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द सेक्शन इंग्लिश, हर एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है, और इंग्लिश को ना हम हमेशा तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिसमें हम इंग्लिश को डिवाइड कर सकते हैं एवरीवन? द फर्स्ट पार्ट ओवर हियर इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, द सेकेंड पार्ट इज वोकैबुलरी, एंड द थर्ड पार्ट इन विच वी कैन डिवाइड आवर इंग्लिश इज ग्रामर, ठीक है। ये कुछ पोर्शंस हो गए जिनमें हम इंग्लिश को डिवाइड करेंगे। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो यार हम क्लैट के लिए भी कर रहे थे, नाउ यू विल वंडर दैट हाउ विल आई प्रिपेयर फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो गाइज, रिमेंबर दैट ईच वन ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर क्लैट एज वेल, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चाहे क्लैट का हो या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स का हो, इट्स गोइंग टू बी द सेम। डिफिकल्टी लेवल ऊपर या नीचे हो सकता है, पर RC का पैटर्न ऊपर या नीचे नहीं होता। RC वही आपसे 5 to 6 questions पूछेगा, उसी तरह से आपसे टाइप ऑफ
ऑफ क्वेश्चंस पूछेगा और टाइप ऑफ क्वेश्चंस के आपको आंसर आइडेंटिफाई करना होगा। आप साथ में फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ लेना, टोन्स ऑफ द ऑथर पढ़ लेना, जिससे आपके कोई भी मार्क्स ना जाएं। ठीक है, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू विल बी प्रिपेयरिंग इन द सेम वे यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर क्लैट, बट दिस टाइम यू हैव सम एडेड टॉपिक्स। इस बार आपको वोकैबुलरी भी प्रिपेयर करना है, और वोकैबुलरी प्रिपेयर करने के लिए क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप वर्ड पावर मेड ईजी जैसे बुक्स फॉलो कर सकते हो नॉर्मन लुइस के, और साथ में आप न्यूज़पेपर्स फॉलो कर सकते हो, या फिर सिर्फ न्यूज़पेपर्स भी फॉलो कर सकते हो, या सिर्फ इस बुक को भी फॉलो कर सकते हो। दैट्स एंटायरली योर चॉइस कि आप फॉलो क्या करना चाहते हो। ठीक है, न्यूज़पेपर्स आपको जरूर रीड करने हैं, बिकॉज अगेन जीके सेक्शन में तो पढ़ना ही है ना। देन थर्ड आ जाता है ग्रामर। ठीक है, आरसी के लिए कोई भी अच्छी बुक, इवन क्लैट के लिए जो भी आपने बुक यूज करी होगी वो वर्क करेगी। वो कैप के लिए वर्ड पावर मेड इजी जैसी बुक हेल्प करेगी। ग्रामर आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो रेनन मार्टिन से। ठीक है, रेनन मार्टिन से आप ग्रामर के बेसिक्स पढ़ सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एसपी बख्शी भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको ग्रामर में पढ़ना क्या क्या होगा। सो गाइज, ग्रामर में पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आपकी सारी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आ जाएंगी, वर्ब, नाउन, जो भी हो गया, कंजंक्शन, प्रीपोजिशंस वगैरह आ गए। देन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आप पढ़ोगे और टेंसेस पढ़ोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको कवर करने हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जम्बल सेंटेंस, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरह के भी टॉपिक्स आपको यहाँ प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, प्लस आप लगाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप क्लैट के भी लगा सकते हो, जो कि नए पैटर्न से पहले के थे, एरिट के लगा सकते हो। साथ में अगर आप स्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके पीवाईक्यू लगाने से यहाँ पे आपको काफी फायदा होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जिस एग्जाम के बारे में मैं यहाँ पे नेक्स्ट जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगी वो है लीगल एप्टीट्यूड। गाइस, लीगल एप्टीट्यूड का बेसिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वही सेम बेसिक जो आपने क्लास के लिए भी पढ़ा था। जैसे आपके जो बेसिक लॉज होते हैं वो आप पढ़ोगे, टॉर्ट्स है, क्रिमिनल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट्स है। ठीक है, ये तो आप बेसिक पढ़ोगे। लीगल करेंट अफेयर्स भी आप पढ़ोगे, बिकॉज यहाँ पे आपको वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे, और वन लाइनर क्वेश्चंस में आपसे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग अगेन आपको छोड़ना नहीं है, बिकॉज हर सेक्शन के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। वहां से आपको कोई नया जजमेंट आ रहा है, या कोई भी नया लॉ पास हुआ, या कुछ भी हुआ, आपको उसके बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर लगाने हैं। आपको दिशा एक्सपर्ट्स में बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जहां पे पीवाईक्यू मिलेंगे, एंड आई थिंक यू शुड बी सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। लॉजिकल रीजनिंग इज द सेक्शन जो वन ऑफ द मोस्ट डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस होता है, बिकॉज यहाँ पे टॉपिक बहुत सारे पढ़ने होते हैं, स्पेशली व्हेन जब हम क्रिटिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग को मिक्स कर देते हैं, तब तो हमारे बहुत ही सारे टॉपिक्स जो हैं वो निकल के आ जाते हैं। सो गाइस, फॉर आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्लैट और एमएससीटी और एलिट और एनी अदर एग्जाम अपार्ट फ्रॉम क्लैट, आपको दोनों पार्ट्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। आरएस अग्रवाल हेल्प्स यू ओवर हियर। अगर मैं क्रिटिकल रीजनिंग की बात करती हूँ, जो थ्योरी बेस्ड है, जो आपने क्लैट में भी पढ़ा है, लेकिन द पॉइंट इज कि इवन अगर आपके टॉपिक सेम हो, क्लैट का पैटर्न बहुत डिफरेंट है लॉजिकल रीजनिंग का। क्लैट पे पूछे जाते हैं पैसेजेस, जबकि यहाँ आपसे पूछे जाएंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो रूल्स के ऊपर चलते हैं। इस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अलग से प्रैक्टिस करो। ठीक है, लॉजिकल में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको सीखने हैं वर्बल लॉजिक, स्पेशली क्रिटिकल रीजनिंग पोर्शन में, ठीक है, वो है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन, अजम्पशन, रीजन, कॉज एंड इफेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया। अच्छा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इज रिटन ओवर हियर। ठीक है, इसके अलावा सिलॉजिज्म्स हो गया है। सिलॉजिज्म स हम भूल जाते हैं, बट सिलॉजिज्म्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, इट्स द पार्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग एक्चुअली। देन वी हैव सम टॉपिक्स लाइक बाइनरी लॉजिक जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए, टीम फॉर्मेशन, then we have some topics like puzzles, blood relations, order ranking, syllogism, अच्छा syllogisms आ गया, alphabet and number series, mathematical reasoning, analogy, classification, assertion, reason. now these are some of the topics जो आपको prepare करने चाहिए। आप prepare करोगे तो आप RS अग्रवाल से prepare कर सकते हो, verbal and non-verbal से। आपको verbal का part भी मिल जाएगा और non-verbal का part भी मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे exams हैं जहाँ पे logical reasoning dominant section होता है। ठीक है, जैसे अगर हम LSAT का exam
एग्जाम ले ले या हम स्लैट का एग्जाम ले ले, तो गाइज यहाँ पे आपको लॉजिकल पे स्पेसिफिकली फोकस करना है, या फिर हम इलिट का एग्जाम ले ले। सो मेक श्योर कि आप लॉजिकल की प्रैक्टिस अच्छे से करो। आप मेरी क्लासेस भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अभी रिसेंटली कुछ नए नए बैचेस शुरू हुए हैं और आगे भी बहुत सारे कोर्सेज मेरे शुरू होने वाले हैं। गाइज ऑल्सो आई टीच ऑन स्पेशल क्लासेस, यू कैन ज्वाइन मी देयर। आई एम रिसेंटली टेकिंग द क्विजेस देयर, तो आप मेरे क्विजिंग सेशंस में आ सकते हो। ठीक है, चलो। गाइस नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में आपको बेसिक अरिथमेटिक के बारे में बात करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे बात करोगे बेसिक अरिथमेटिक की, यानी कि जो आपकी 10th क्लास तक की मैथ्स रही है ना, उसके बारे में आप बात करोगे, उसके बारे में आप प्रिपरेशन करोगे। प्रिपरेशन आप NCERT की बुक से कर सकते हो या फिर RS अग्रवाल भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे कुछ चैप्टर्स हैं, सारे स्क्रीन पे लिखे हैं। नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शंस, एवरेजेस, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क एंड सिस्टम्स आर सम ऑफ द चैप्टर्स व्हिच यू हैव टू प्रिपेयर ओवर हियर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो बहुत सारे बच्चों को बहुत डर लगता है इस टॉपिक से। सो गाइज तुम्हारे डर का सोल्यूशन बस इतना है कि प्रैक्टिस करते रहो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा तुमको यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट सेक्शन जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है जनरल नॉलेज का सेक्शन। अभी जनरल नॉलेज में ना आपको वन लाइनर्स मिलेंगे, क्लैट की तरह पैराग्राफ्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे। और इन वन लाइनर्स को प्रिपेयर करने के लिए आप न्यूज़पेपर्स को रीड करो और कोई ना कोई कंपेंडियम फॉलो कर लो। ठीक है, साथ में कोई क्विजिंग, जैसे आप अनअकैडमी के क्विजेस कर सकते हो या कोई भी और क्विजिंग एप्लीकेशन को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, सर्वेज, बजट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, साइंस रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, आपको यहाँ पे रीसेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हो गए ये आपको प्रिपेयर करना होगा फॉर जनरल नॉलेज। ठीक है, सो गाइज ये हमारे कुछ कॉमन टॉपिक्स थे। ठीक है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मेरी प्रोफाइल का लिंक यहाँ दिया हुआ है। मेरा नाम है कृति सिंह, आप मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल चेक कर सकते हो और मेरा रेफरल कोड भी यूज कर सकते हो, कृति लाइव 10। सो एवरीवन, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सो ध्यान रखना कुछ अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले तो रिजॉल्व 2023 ऑफर हमारा चल रहा है, तो तुम रिजॉल्व 2023 ऑफर पे फोकस कर सकते हो, मेरा कोड कृति लाइव 10 यूज कर सकते हो। साथ में ऐसे बहुत सारे बैचेस भी हैं जो अनअकैडमी पे चल रहे हैं अभी। ठीक है, सम ऑफ द बैचेस यहाँ पे देख सकते हो आर ड्रॉपर्स बैच फॉर क्लैट 2024 एंड नेक्स्ट वन इज लॉ एस्टीम व्हिच यू कैन ज्वाइन। एंड रिजॉल्व ऑफर इज और इज अ लिमिटेड ऑफर। ठीक है, ये 23% के डिस्काउंट आपको रोज रोज नहीं मिलते। सो इफ यू आर प्लानिंग टू टेक एनी काइंड ऑफ यू नो सब्सक्रिप्शन, यू कैन गो थ्रू द स्लाइड और स्लाइड को देख के आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इस ऑफर को यूज कर सकते हो। ठीक है, सो एवरीवन, आई थिंक आज के लिए जो हमारा सेशन है वो हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द क्लास गाइस, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। यस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन नाउ। एनी क्वेश्चन एवरीवन? Okay, so I'm live for a minute, guys. Let me know if you have any question, otherwise we'll end the session.